वेलकम बैक नाम टेलीविजन से ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान बलूचिस्तान अवामी पार्टी जहा सेनेटर मोहतरम जनाब सेनेटर दिनेश कुमार साहब आज मूसा गड सर वेलकम चाहूँ प्रोग्राम में। थैंक यू मीसा। अवामी मसाइल सर संजीदगी नजर नथी अचे जगह संजीदगी आए तो हल छो ना थन सेनेटर साहब चौंद जो वजीर उनकी दिलचस्पी नजर नथी अचे चौंद सेनेटर साहब। बिल्कुल गवर्नमेंट जे अवामी मसाइल हल के लिए संजीदा ना जैकी निशानदही काफ़ी अड़ा वजीर जे अवामी इज्तमाही मसला उन हल कर में वो पूरा ना थन इन हवा से तुम देखी तो कैबिनेट में भी काफ़ी चेंजेस आयु काफ़ी दफा और बो यो है महाशी सूरत हाल भी काफ़ी पेचीदगियन और कोरोना के सबब भी काफ़ी पेचीदगियन तो ये ही अवाम मिले जैसे कर अवाम के प्रॉपर तरीके से रिलीफ नो मिले। सर तुम सेनेटर आयो तुम जैसे मैं अचो था कमेटी में तो वरी वजीर मुराद सईद साहब आयो को एहतजाज करो पो एतरी गैर संजीदगी। जी हाँ बिल्कुल हुकूमत इतिहाद का हिस्सों होंदे सूंदे इन शे एहतजाज किया तो अगर असा के पार्लिमेंटेरियन जो जी कमेटियन उनके इज्जत न मिली तो आम मानू के इज्जत मिली असा वेठा अवामी मसलन के हल कर तक पतो आ तो कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट जैमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी आ पोस्टल ऑफिसेस और जे नेशनल हाईवे पुलिस आ सब इन अंडर था अचन इन हवाले से स्टैंडिंग कमेटी जो वो अहम रोल आ अगर उन्हीं कमेटी के मिनिस्टर इज्जत न दींद मिनिस्टर नहीं तो ब्यूरोक्रेसी इज्जत दी इन हवाले से बाकायदा गवर्नमेंट में होंदे इत्यादि की हैसियत से बायकॉट किया और अगर अगली दफा सईद मुराद साहब ना आयो तो इन के असा सेनेट के इजलास में इन बात की खड़े सर एक तो यह साइड तीन तो पब्लिक से वास्तो आवाम से वास्तो है तुम सिंध बलोचिस्तान के हालात जी इन मुल्क जहा इन मुल्क जहा सेनेटर आयो आवाम जहा जे डायरेक्ट मसला है महंगाई बेरोजगारी सेनेटर साहब आन यो इन दौर में तमाम घड़ी शूं वन और डबल का ट्रिपल हलो है एक जैसी वी हजार पंजी हजार पगार है सैलरी है वो मू कि गुजारो सेनेटर साहब करे। बिल्कुल काफ़ी सही है तो महंगाई जो जो रेशो आ वो काफ़ी हद तीन जी तिठो तो काफ़ी माफियाज तमाम शॉर्टेज कई है जी खंड की हुए या कणक के हवाले से अटे की तो इन हवाले से इन शा सीरियसली इकदाम करना पवंदा सिर्फ गाल हद ती न अमली तौर पर करो पव इन माफियाज के बेनकाब करो पव इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करनी पवी और इन माफियाज के जैसे जैस तक का सजा न मिली तो ये ब्लैक मार्केटिंग या महंगाई इन बदी रही इन असा तजवीज़ दिनी सेनेट के फोरम से भी तजवीज़ दिनी है तो तमाम जेका भी माफियाज उन्हीं खिलाफ बिला कें रोकटोक के कार्रवाई कई वे ताकि अवाम के रिलीफ मिले और महंगाई जेका कमर तोड़ महंगाई अचे थी या जेका अवाम की जिंदगी से असरअंदाज नी इन गवर्नमेंट के रुकावटू कड़ियन छो नथी करे ऑपोजिशन डिवाइड आए पीडीएम कमजोर थी चुकी आ तकसीम थी चुकी आ तहां इत्तहादी गड एमक्यूएम गड जीडीए गड छो नथी गवर्नमेंट करे सके सर। गवर्नमेंट दिसो जाथे भी कोलिशन गवर्नमेंट हुंदी आ तो उनी लाई मसला मसाइल हुंदा है कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा एकड़ो बैकफुट ते खेडंदी आ और बो ते दिठो तो इकतसादी सूरत हाल है मुल्क की जे पुराना कर्जा असा कल हुआ जी पुरानी तबाही थियल हुई उनका असरात लाजमी इंदा चाहे कड़ी भी गवर्नमेंट अचे हाँ अगर इन को अगी गवर्नमेंट इंदी तो उन हालात अना संगीन हूं तो इन असा वेही करोल ठाणो पवो प्रॉपर तरीके से चैन ठाणी पवी तो इकतसादी सूरत हाल ज असानी इकोनॉमिकल सूरत हाल खराब आ उन्हीं वही करो पवो कोई को का भी गवर्नमेंट जेका भी अचे अगर इनके ये प्रायोरिटी न दी तो ये महंगाई का मसला ये अवामी मसला इं ही रहा और अज की निस्बत सुबो ी अ खराब इंद अज सर योम दिफा भी है 6 सेप्टूबर भी है बलूचिस्तान के अंदर यानी कि कोयटा मस्तूम रोड से भी जो वाक्य पेश आए उन हवा से चौदह सेप्टूबर बिल्कुल योम दफा है और यकीनन
जेके पाकिस्तान जी सोपाक हो या पाकिस्तानी जेके शोदान जेके भी असांजी आर्म फोर्सेस जिन असांजी नेवीज या एफसी जे कुर्बानी दिनियों असांजी मुस्तकबिल के सुठो करण जे लाए पुरामन जे लाए उन्हीं के मां खराज अकीदत तो पेश किया। और बे ता दिसो तो लाजमी एकड़ो अफगानिस्तान में एक चेंजिंग आई है तो दुश्मन के तो यो काफी एकड़ो परेशान है तो उन्हीं जो चवंदा ना दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है तो ये जेके ये हरकत करन था जो आखिरी और मुझे उम्मीद है तो असानी जेके बलूचिस्तान की लेवीज आ बलूचिस्तान में एफ सी आ बलूचिस्तान की पुलिस आ या बलूचिस्तान की आवाम वो मिली कर इन अजायम नाकाम कराइंदा। जी साहब वही टाइम दिन इन इजाज़त अल्लाह हाफिज़।